अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यार सबसे पहले मेरी तरफ से रमज़ान का तीसरा जुम्मा और सेकंड लास्ट जुम्मा आपको, आप लोगों की नस्लों को, आप लोगों के अबाओ अजदाद को और आपके घर वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, अल्लाह ताला आप सारों को बहुत खुश रखे और सबको खुश रखे। ठीक है, आ गया आप लोगों का भाई फिर से एक और ब्रांड न्यू अप्लाइड फॉर न्यू बोर्न पिन पैक। तुम लोगों को पता ही है डब्बे के साथ मतलब वीडियो के साथ। तो यहाँ से करते हैं आज का हम अपना व्लॉग स्टार्ट छत के ऊपर से, क्योंकि रोज बैठक में से, रोज अपने उस बैठक में से तुम लोगों को स्टार्टिंग दे के ना मैं बिठा के, तो मैंने ना पानी वाली बाल्टी ना नल खोल के मैं आया हूँ ताकि वो बाहर जाए। और मुझे याद है कि यार हमने व्लॉग ही नहीं स्टार्ट किया, अभी ऊपर आ गए जल्दी जल्दी से आज जुम्मे, इसलिए सर पहले नहाते हैं और उसके बाद आज हम लगाएंगे अपनी मशहूक में का टोन ऑफ लगाएंगे। ये वाला जो है ना ये हमने खुद ही बनाया, खुद ही अल्ट्रेशन किया और आप लोगों को ना सारा सीन बताएंगे। अगर पहले नहा लूँ ना फिर उसके बाद मिलता हूँ। ठीक है, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर और आ गया आप लोगों का भाई फिर से सही ऑटोमेटिक सर्विस होने के बाद। मैंने आपको कहा था कि मैं नहाने जा रहा हूँ, नहाने में भाई आज ना मैंने सही सर्विस की अपनी। और अभी जाते हैं गाड़ी शाड़ी निकालती है, ये मैंने कैब उठा ली है क्योंकि धूप आपको पता कितनी तेज होती है। ये चाबी है, इसको मैं सुबह आया था फजर के टाइम ना, ये मैंने लॉक दरवाज़ा खोला था लेकिन ना इसको ना नीचे ताला लगा हुआ था, वो देखो वो लगा हुआ है। और फिर उसके ऊपर से मैंने कपड़ा हटा के ना, कपड़ा वगैरह हटा के जब मैं इधर लेकर आया हूँ, ठीक है सहरी होने में तकरीबन 5 मिनट रह गए थे खत्म होने में, इधर लेकर आया हूँ तो आगे मैंने देखा इसको ताला लगा हुआ, और कभी गेट को ताला नहीं लगा होता तो पहले से आराम है नहीं करो, इतना दिमाग शार्ट हुआ है। और जल्दी जल्दी से फिर मैं आया हूँ, इसको मैं ना ऐसे ही लगा के चला गया था। समझ गया, बहुत टाइम से ना ये बहुत टाइम से ये तो खास करके ना बहुत ज़्यादा टाइम से खामोश खड़ी हुई थी। ठीक है, मैंने कहा यार इतनी खामोशी अच्छी नहीं होती है, तुम मेरे से नाराज़ हो इसलिए इतने टाइम से खामोश खड़ी हुई हो, तो क्यों ना तुम्हारे गले का कोई बंदोबस्त किया जाए, इसके लिए कार्टोन ऑफ बनाया है तो आज चलते हैं इसको लेके। ठीक है, तो आज जो तुम्हें थोड़ी बहुत दर्द होगी उसे तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। प्यारी समझ गई, बाकी चलो तुम तैयार हो, मुझे पता है इसको स्टार्ट वगैरह करके गर्म भी कर लिया और अभी गेट वगैरह भी खोल लिया, बस थोड़ी सी जो तकलीफ होनी है वो तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बाकी उसके बाद जो तुम रोला डालने वाली हो ना वो पूरा मोहल्ला सुनेगा। और अभी पब्लिक गेट वगैरह खोलने के बाद ना बस जल्दी जल्दी चलते हैं और इस थोड़ी बहुत गंदी भी हुई है इसको जाके साफ करते हैं और फिर काम के लिए निकलते हैं, और बाकी में बाकी का जो सीन होगा ना वो मैं आपको ना साथ साथ बताता रहूंगा। ठीक है, चलो बस अब पापा जी का वेट है, वो बस अभी निकलते हैं और फिर इसको लेके चलते हैं। पहुंच गया हूँ मैं दुकान के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, और वो खड़ी है मेरी प्यारी प्यारी, देखो कितने गुस्से से देख रही है इसकी आँख देखिए। तुम्हें ना मैं ना सुन करने वाला भी टीका लगाता हूँ, फिर तुम्हारा इलाज सही तरह होगा, फिर ना तुम ना सुकून में रहो। ठीक, बस अभी थोड़ी देर तक ना इसका इलाज शुरू करना है। ओके, थोड़ा बहुत काम हो चुका है। ठीक है, अभी सारा कंप्लीट काम नहीं हुआ लेकिन अभी आप इसकी ना थोड़ी आवाज़ सुनाता हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ ए रहा नहीं जाता, जुम्मा उन्होंने ऑलमोस्ट 5 मिनट रह गए हैं और गाड़ी का काम लगा हुआ है। ठीक है, अभी आ गया मैं जुम्मा पढ़ने के लिए, बस यहाँ से अभी जुम्मा पढ़ के ना जल्दी जल्दी से जाते हैं और फिर उसका जो काम है बाकी जो रहता है वो उसको जाके कंप्लीट करते हैं। नमाज पढ़ी है ना, जो मस्जिद का पानी था ना इतना ठंडा था, इतना ठंडा था, नमाज पढ़ के मैं दोबारा गया हूँ वजू वाली जगह पर, वहाँ पर जाके मुँह शुद्ध होया है, सर गीला किया है, अब बड़ा सुकून मिल रहा है। अभी बस चलते हैं दुकान के ऊपर, फिर जाके कपड़े चेंज करते हैं और काम शुरू करते हैं। यार सारा काम होने के बाद ना बोल भाई करें, ठीक है हो गया ये सारा काम, अभी आपको ना आवाज वगैरह। 24 hours later उधर से रेस नहीं, थोड़ी सी ये अभी तार छोड़ी हुई है और ये नॉर्मल आवाज है बिल्कुल, रेस नहीं को जरा सबर करो, ये नॉर्मल आवाज है। ये आवाज होगी नॉर्मल, ठीक है अरेज ने ये
यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम वगैरह हो गया, अब इसका जो शोर वगैरह होगा ना पूरा मल्ला सुनेगा। बोलो भाई चक्कर चक्कर मार दो, पीछे से पापा आए हो जुमा पढ़ के। मैं ना अभी बैठ गया हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि ना पापा गए हैं जुमा पढ़ने के लिए, इसको ना जाते हैं एक राउंड मार के आते हैं। और जो तार वाला सीन है ना ये है अल्ट्रेशन वाला काम है फुल, ठीक है। एक ना होता है वो ऑटो काम होता है, वो ना रिमोट सेंसर के साथ ऑन ऑफ होती है, लेकिन ये जो तार वाला सीन है देखिए ये तार है, ये अभी मैं आपको कहीं से दिखाता हूँ। आवाज़ आपने पहले भी सुन ही ली है, ठीक है, कितनी लंबी आवाज़ आ रही है। ये तार छोड़ो वापस नॉर्मल, तार खींचो तो खिंची भी है। हाँ जी। The next day. नीचे ना कमेंट में लाजमी बताना, बाकी इस आवाज़ पे ना एक अच्छी वाली वीडियो आप लोगों को बना के चेक कराऊंगा, साथ मेरा ना कोई डॉगी दोस्त होगा ना। फिर आप लोगों को सही आवाज़ है, तो अभी चलता हूँ दुकान के ऊपर वापस। कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह, लेकिन जब मौसम अच्छा होता है ना ये व्यू वो और भी मज़े का होता है। अभी जाके दुकान के ऊपर ना वेट करते हैं शाम का, और फिर शाम को ना अगर कहीं निकले तो आप लोगों को फिर एक दफ़ा और टेस्ट करवाना है आवाज़ की। वैसे तो आप लोगों को खुद भी आइडिया हो गया होगा, कमेंट में मुझे ना लाजमी बता देना, ठीक है। 3:28 AM और बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद अभी टाइम हो चुका है दुकान से जाने का, मतलब कि छुट्टी करने का, लेकिन उससे पहले जाना पड़ेगा नमाज़ पढ़ने के लिए, और नमाज़ पढ़ते हुए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ज़्यादा, तो जिस जिसको पता नहीं ये क्या चीज़ है मुझे ना कमेंट में लाजमी पढ़ाना। अभी बस नमाज़ पढ़ते हैं, और सुबह से एक तो गर्मी और ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी का रोज़ा, मैं कहता हूँ चश आ गई, बस अभी फिर नमाज़ पढ़ के ना घर चलते हैं, ठीक है। फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैंने तुम्हें को कहा था कि हम घर वगैरह घर निकलेंगे, ठीक है, और फिर रास्ते में आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनेंगे। पहले तो यार जो तार देखी थी आप लोगों ने इतनी बड़ी तार थी, ठीक है, अभी इसको सेट करके ना ये सारा कुछ कर दिया, ठीक है, ये तार खींचेंगे तो फिर आवाज़ समझो, यहाँ पर ना पेज लगाएंगे फिर यहाँ पर ना इसको पसा देंगे, फुल अल्ट्रेशन पिंडी बॉयज़ वाला काम किया है। तो अभी बस घर के लिए निकलते हैं, चलो। यहाँ पे करते हैं अपना आज का ये वाला व्लॉग एंड, और आप लोगों को कैसी लगी है हमारा का टोन ऑफ देसी जुगाड़ तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, और आवाज़ ऐसी लगी हो तो मुझे बताना फिर इस तरह कितना मज़ीद बंदा वीडियो बनाता रहता है तुम लोगों को एंटरटेन करने के लिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, इसको लाइक सब्सक्राइब करना पड़ता है यार तुम लोगों को, कर भी दिया करो बगैर कह कर दिया करो। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, अपना बहुत ख्याल रखना, फ़ी मानिल्ला एंड अल्लाह हाफिज़।